आई वॉज लाइक शिट, मुझसे गलती हो गई जो मैंने IIT को चूज किया. शायद मैं इस चीज के लिए बनी हुई हूँ, मुझसे नहीं हो रही यार, मैथ्स नहीं हो रही मुझसे. वो IIT बॉम्बे का कॉलेज मेरे लिए नहीं बना है. आई थिंक लायक नहीं हूँ मैं उस चीज के. हाय एवरीवन, तो यार आज आपके साथ में मैं एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल चीज शेयर करने वाली हूँ. आप सब लोग तो जानते हो कि मैं कोटा गई थी JEE की प्रिपरेशन करने के लिए. वहाँ के एक बहुत नामी गिरामी इंस्टीट्यूट के पहले बैच में थी. अपेरेंटली टीचर्स भी बहुत बेस्ट थे. और उसके बाद में क्लासेस वगैरह मेरी चल रही थी. पहला टेस्ट लगा था एक महीने बाद में, ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर में पूछ रहे थे. अब आप सोच सकते हो कि यार मेरे पे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी. मेरी खुद की भी थी, खुद से मैं झूठ नहीं बोलूंगी. फर्स्ट बैच में थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यू नो सब कुछ बढ़िया ही होगा यार, मेरे साथ क्या गलत हो सकता है. लेकिन जब पहला टेस्ट लगा, सब्जेक्टिव टेस्ट था, इनफैक्ट ये उसकी टेस्ट कॉपी है उस दिन की, 2006 की, आप डेट देख सकते हो. एक एक करके जब मैंने सवालों को विजिट करना स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं सारी चीजें एकदम से भूलती जा रही हूँ. जिस सवाल पे जाऊं उसमें लगे कि यार या तो इसके अंदर मेरी अप्रोच नहीं बैठ रही, या कुछ ट्राई भी कर रही हूँ तो लग नहीं रहा कि मैं आंसर तक पहुंच पाऊंगी. किसी किसी क्वेश्चन में तो मैंने दो दो पेजेस तक भर दिए थे. अब जैसे तैसे टेस्ट तो चलो खत्म हो गया, उसके बाद में यू नो कॉपी चेक हुई. सब्जेक्टिव टेस्ट था क्योंकि हमारा, कॉपी चेक हुई और डिस्ट्रीब्यूट हुई. एंड यू नो व्हाट, कॉपी चेक करी थी VK बंसल सर ने. और मेरी कॉपी में लिखा था नॉनस. एक गलती हो गई थी मुझसे. एक गलती उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये जो शब्द था ना नॉनसेंस, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया. आई वॉज लाइक शिट, मुझसे गलती हो गई जो मैंने IIT को चूज किया. शायद मैं इस चीज के लिए बनी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रही यार, मैथ्स नहीं हो रही मुझसे. एग्जाम में बहुत ज्यादा गंदे नंबर मेरे बने थे PCM तीनों में. और तब घर वालों ने भी मुझसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम तो वहाँ पे इतने अच्छे बैच में हो, तुम्हारे तो नंबर अच्छे आने चाहिए थे. एंड आई डिड नॉट हैव एनी आंसर. इनफैक्ट मैं खुद इतना ज्यादा शॉक में थी, इस एक वर्ड नॉनसेंस ने मुझे हिला करके रख दिया था. और मैं जानती हूँ कि ये फीलिंग आप लोगों को भी होती है. काफी बार टेस्ट के बाद जब नंबर कम हो जाते हैं, काफी बार तो क्लासेस के बाद जब क्लास पूरी सर के ऊपर से चली जाती है, कोई कॉन्सेप्ट छूट सा जाता है, एंड वी फील आउट ऑफ कंट्रोल कि यार गलती हो गई यार, गलती हो गई साइंस लेकर के, गलती हो गई IIT के बारे में सोच कर भी. वो IIT बॉम्बे का कॉलेज मेरे लिए नहीं बना है. आई थिंक लायक नहीं हूँ उस चीज के. गलती हो जाती है जब पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखते हैं. पेरेंट्स छोड़ो, पड़ोसी, रिलेटिव्स, भगवान जाने कौन कौन एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखता है. लेकिन डू यू नो व्हाट, आप इस चीज में अकेले नहीं हो. अगर इतना सब कुछ होते हुए मैं IIT निकाल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? व्हाट इज इट, क्या वो एक चीज थी जिसने मुझे IIT तक अल्टीमेटली पहुंचाया डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस रायता? दैट वॉज कि मेरे पास में कोई प्लान बी नहीं था. वो कहते हैं ना, प्लान ए सक्सेसफुल तभी होता है जब आपके पास प्लान बी नहीं होता. मैंने गांठ बांध ली थी कि भाई टेस्ट में कितने भी कम नंबर आ जाए, आई विल टेक इट कंस्ट्रक्टिवली. मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरे 300 में से 40 नंबर बने, मैं ये देखूंगी कि 260 नंबर का सीख लेती हूँ ताकि उस दिन अच्छी तरीके से पेपर कर पाऊँ. तो आज के बाद में वादा करो मुझसे कि आप भी अपने हर एक फेलियर को कंस्ट्रक्टिवली लोगे, उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करोगे. अपने इमोशंस को रखो साइड में, बुरा लगता है ना तो लगने दो, लेकिन आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपने बेटरमेंट पे. सो मेक श्योर दैट यू प्रॉमिस मी. मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे का प्रॉमिस चाहिए कि मैम हम अब गिव अप नहीं करेंगे और IIT में सेलेक्ट होकर के दिखाएंगे. लव यू ऑल, टेक केयर.